नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी एक मोबाइल है जो कि वीवो का V9 मॉडल है। ये मोबाइल के अंदर जो फॉल्ट है वो नेटवर्क का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मोबाइल में मैंने अभी सिम कार्ड लगाया हुआ है, देखिए फिर भी उसमें कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर अभी ये सिम कार्ड लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये सिम कार्ड लगाने के बाद यहाँ आप देखोगे तो बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं है। देखिए ये आप देख सकते हो, इसमें नेटवर्क अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर नेटवर्क का इश्यू है तो सबसे पहले हम मोबाइल के अंदर IMEI नंबर चेक कर लेंगे, *#06# करके। देखिए उसका IMEI नंबर है इसके अंदर। इसके बाद हम एक बार इसका बेस बैंड भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको मोर सेटिंग में जाना है, उसमें अबाउट में जाना है। अबाउट में ये आप देख सकते हो, देखिए बेस बैंड वर्जन भी यहाँ अच्छे से शो कर रहा है। तो IMEI नंबर है, बेस बैंड नंबर है। उसके बाद जब भी इस मोबाइल के अंदर हम कॉल करते हैं तब इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। देखिए कोई एक नंबर हम डायल करते हैं, 1 2 3, ये नंबर डायल करके देखते हैं। देखिए यहाँ रेडियो ऑफ करके आ रहा है, देख सकते हो रेडियो ऑफ। तो कोई भी नंबर अगर हम डायल करते हैं और उसको कॉल करते हैं तब देख सकते हो रेडियो ऑफ का मैसेज आ रहा है। तो उसका मतलब कि इसके अंदर नेटवर्क नहीं है, रेडियो ऑफ आ रहा है। अगर हम एक बार उसका सेटिंग में जाके, यहाँ लिखा है नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, उसमें जाएंगे। इसमें यहाँ सिम है, SIM 1, उसमें जाएंगे। और SIM 1 में आप देखो तो यहाँ एक नेटवर्क मोड लिखा है, 4G मोड है। अभी हम एक बार उसका मोड चेंज करके ट्राई करके देखते हैं। देखो ये मैंने मोड चेंज किया लेकिन फिर भी मोड चेंज नहीं हुआ, देखा वही का वही मोड है। तो एक तो इसके अंदर मोड चेंज नहीं होता है, दूसरा चीज अगर आप उसको मैन्युअली सर्च करोगे नेटवर्क को, देखिए मैं मैन्युअली सर्च कर रहा हूं तो यहाँ एरर विथ सर्चिंग फ्रॉम नेटवर्क इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें अंदाज आ जाता है कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई बैंड सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई कंपनियों का नाम शो नहीं हो रहा है, वो रेडियो ऑफ आ रहा है। उस कंडीशन में इसमें जो फॉल्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी RFIC बेसबैंड IC से ही होता है। तो ये जो हमारी RFIC है, बेसबैंड IC है, वो ये है, देखिए जो WTR के नाम से आज जाना जाता है उस पर लिखा है WTR, उसका नंबर है WTR 2965। ये IC से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। उसका भी एक टेस्टिंग होता है कि उसका इनपुट और आउटपुट इस कंडीशन में, ये IC की अगर सप्लाई चेक करोगे तो IC की सप्लाई तो ओके मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके अंदर जो उसका कंट्रोल और आउटपुट पीने हैं वहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें, ये बातें हम यहाँ उसका नहीं देखने वाले हैं, एक्सपीरियंस से हम काम करेंगे। कि मुझे ऐसे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि इस तरह से अगर कोई मैन्युअली सर्च करे और नेटवर्क मैन्युअली सर्च ना हो, या तो आपका रेडियो ऑफ आ रहा हो, या तो आपके मोबाइल में बेस बैंड और IMEI नंबर सही हो और कोई बैंड चेंज ना हो, तो उसमें मैंने देखा है तब तक जनरली ये बेस बैंड IC का ही प्रॉब्लम होता है, ये नेटवर्क WTR का ही प्रॉब्लम होता है। तो सीधा मैं यहाँ आपको चेंज करके ही बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे ऐसे ही वीडियो बनाए जिसके अंदर मैंने बहुत डीपली एक एक चीज़ों का इनपुट आउटपुट करके हर एक चीज़ को फॉल्ट के फाइंड करके बताया, लेकिन उसमें वीडियो लंबी हो जाती है। तो कोई कोई कमेंट में लिखता है वीडियो बहुत लंबा है, फालतू की बातें की है, इस तरह से ऐसे ऐसे, या तो बहुत अच्छे से इस तरह से डीप में बताने में भी कोई कोई लोगों को प्रॉब्लम है जो वीडियो में डिसलाइक कर देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैंने वीडियो में इतना क्या ऐसा नहीं बताया जो इसके लिए जरूरी है, या वो जानता है मैंने नहीं बताया, इस तरह से तो भी डिसलाइक करते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से आजकल कोई लोगों को इतना अंदर से जरूर नहीं है कि उसको शॉर्टकट सीधा सीधा बता दो, समझ जाता है। तो शायद इस वजह से मैं आज ये वीडियो के अंदर मैं सीधा आपको ये नेटवर्क फॉल्ट का शॉर्टकट बताता हूँ, किस तरह से उसकी ट्रेसिंग होती है, ये सारी चीज़ आपको बताऊँगा। तो शायद ये अगर बताने बैठूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं ये WTR जो IC है इसकी, उसको चेंज करके कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए ये करके हम देख लेते हैं। हमारे पास जो मोबाइल है वो वीवो
V9 का ये मोबाइल है जिसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो चलिए हम ये नेटवर्क का प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व आउट किया जाता है और ये IC को बदल के देख लेते हैं। तो चलिए हम एक बार देखिए कॉल हो गई। पहले यहाँ रेडियो ऑफ लिख के आता था, अभी ये कॉल भी आने जाने लगी। तो इस तरह से आप कभी भी कोई मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसमें जो इसके अंदर था WTRIC वो चेंज किया है। सबसे पहले जो फॉल्ट आया था नेटवर्क का था,
सबसे मैंने इसमें जब मैन्युअली नेटवर्क सर्च किया तो कोई कंपनियों का नाम शो नहीं कर रहा था, जबकि उसका बेस बैंड IMEI नंबर सही था। उसके बाद हमने मैन्युअली नेटवर्क को चेंज किया, मतलब बैंड को चेंज किया, फिर भी कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो ऐसे केस में जब भी आपके पास कोई 4G बोर्ड आए तो उसमें 99% WTR का ही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि IC छोटी बना दी गई और लोड उस पर ज़्यादा है, तो और 4G बैंड में आजकल ये WTR ही फॉल्ट होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपको लगे कि कुछ हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट में लिख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।